हेलो फ्रेंड्स, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन लिखी थी, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इक्वल और अपोजिट चार्ज होने की वजह से जो नेट चार्ज होता है डाइपोल पे वो जीरो होता है। बट अभी हम देखेंगे चार्ज जीरो होने की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे जीरो नहीं होगी। देखते हैं कैसे। जो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो पहले देखो, ये नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिया और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज। ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आ गया इसका ट्वाइस ए, ये डाइपोल का सेंटर। अब हमने क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है यहां पे पी, जहां पे हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है सेंटर से ये डिस्टेंस आर, तो यहां पे देखो इसको नाम दे दो आप ए, ये आ गया बी। यहां पे ओपी जो है आर के इक्वल है, एपी जो है, एपी कितना है, एबी प्लस या फिर एओ प्लस ओपी। एओ आ गया ए प्लस ओपी आर के इक्वल, और बीपी कितना है, बीपी आ गया ओपी माइनस बीपी, मतलब आर माइनस ए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ई नेगेटिव प्लस ई पॉजिटिव। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये पॉइंट चार्ज में हमने देखा था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे हम क्यू, और डिस्टेंस कितना आएगा एपी का स्क्वायर, और साथ में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है हमें डायरेक्शन भी लेनी है। तो हम पी पे कंसीडर करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां पे होगी अट्रैक्शन, तो ये डायरेक्शन होगी ई नेगेटिव। तो देखो अब इस डायरेक्शन के लिए हम यहां पे हेल्प ले लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, पी कैप की। तो पी कैप की डायरेक्शन हमने देखा था बाय कन्वेंशन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो ये क्या आया, अपोजिट डायरेक्शन माइनस पी कैप। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस कितना पॉजिटिव चार्ज से, बीपी का स्क्वायर। और अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पी पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे होगी रिपल्शन, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन होगी ई पॉजिटिव की। तो इसको हम लिखेंगे पी कैप, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब चाहो तो यहां पे एपी और बीपी की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एपी का स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप, सेकेंड इक्वेशन। और ये इक्वेशन बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बीपी आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। ठीक है, तो हमने ई नेगेटिव भी निकाल दिया और ई पॉजिटिव भी निकाल दिया, दोनों चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अब हमने। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट करो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी
ए नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। अब यहां पे माइनस का साइन है तो यहां पे इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन ये आ गया 1/r-a² माइनस 1/r+a² और डायरेक्शन के लिए पी कैप। आगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r+a² माइनस r-a² डिवाइडेड बाय r² - a² का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, जब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा a-b a+b तो a² - b² पूरे का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r² + a² + 2 times ar - r² + a² - 2 times ar डिवाइडेड बाय r² - a² का होल स्क्वायर। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का और ये क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 times ar / r² - a² का होल स्क्वायर। अब देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है पी वेक्टर ये होता है क्यू क्रॉस ट्वाइस, तो यहां से देखो इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस आर बाय r² - a² का होल स्क्वायर। तो ये बन गया q इंटू ट्वाइस ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर बाय r² - a² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यहां पे लिख देते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR जहां पे P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और r² - a² का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज रह गई है P कैप, ये डायरेक्शन के लिए था। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गई। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन P कैप की है मतलब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अगर इफ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में वो बड़ा छोटा होगा इफ टू टाइम्स ए वेरी वेरी लेस देन आर या फिर ए वेरी वेरी लेस देन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टोटल ये क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR और ये आ गया क्योंकि R जो है बहुत बड़ा है ए से, तो r² का होल स्क्वायर P कैप या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³ P कैप। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा, क्या रिलेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ आर। तो ये ध्यान से रिजल्ट भी ध्यान में रखना है और ये इसका फाइनल रिजल्ट भी ध्यान में रखना है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया एट एक्सियल पॉइंट पी ऑन द डाइपोल। थैंक यू।